हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द सम मेडिकल टर्म्स है। आज हम आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ कुछ मेडिकल टर्म्स को लेकर के। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, होल जानकारी दिया था। आज एक छोटा सा यहाँ पर लेक्चर आपके लिए प्रेजेंट किया हूँ, ठीक ना। कुछ यहाँ पर मेडिकल टर्म्स हैं इम्पोर्टेंस जो आपके रिगार्डिंग बहुत ही जरूरी हैं तो बहुत सारे हैं मेडिकल टर्म, बट जैसे जैसे हम आगे की ओर फर्दर लेक्चर कंप्लीट करते जाएंगे तो उसमें भी एक आपको क्लियर करते जाएंगे मेडिकल टर्म को, ठीक ना। और ये मेडिकल टर्म और मेडिकल कोडोन जानना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप एक अच्छा मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट या कि प्रोफेशनल कहलाएंगे। जब तक आप मेडिकल टर्म नहीं पता रहेगा, मेडिकल की लैंग्वेज पता नहीं रहेगी, तो आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पर टर्म बताया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, कि एनेमिया, ठीक ना। एनेमिया क्या होता है? एक तरह कह सकती हैं कि हमारे बॉडी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट 3 सेल्स होती है। जब इनकी डिफिशियंसी होने लगती है, ये कह सकती हैं कि ब्लड की डिफिशियंसी होने लगती है और ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर होता है। इनकी अगर डिफिशियंसी हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं, ठीक है ना। एक एक लाइन की डिफिनेशन अपने माइंड में रखते चले जाइए। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर एनाल्जेसिक, ठीक ना। एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि मेडिसिन विच एलिवेट्स पेन से, मतलब कि जब आप मेडिसिन इंटेक कर रहे हैं उस दौरान आपके बॉडी में किसी के कारण बस पेन अगर एलिवेट्स हो रहा है मेडिसिन के कारण, उसको हम एल्जेसिस बोलेंगे, ठीक ना। एथ्रेलजिया क्या होती है? पेन इन द ज्वाइंट, अगर ज्वाइंट में कहीं पेन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एथ्रेलजिया, ठीक ना। नेफ्रेलजिया, नेफ्रेलजिया का मतलब क्या होता है? पेन इन द किडनी, ठीक ना। किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, उसी से रिलेटेड है नेफ्रेलजिया, ठीक ना। गैस्ट्रेलजिया का मतलब होता है पेन इन द स्टमक, ठीक ना। गैस्ट्रा को मतलब होता है स्टमक और एल्जिया का मीन्स होता है यहाँ पर पेन। तो अगर स्टमक में पेन हो रहा है तो उसको बोलेंगे गैस्ट्रेलजिया। न्यूरलजिया, न्यूरलजिया का मतलब होता है पेन इन द नर्व में अगर पेन हो रहा है तो उसको हम न्यूरलजिया बोलेंगे। क्लियर। मेल्जिया का मतलब क्या होता है? मसल्स इन द पेन, मतलब कि बॉडी की मसल्स जो प्रेजेंट है उसमें अगर किसी प्रकार का पेन एठन वगैरह हो रहा है उसको मेलेजिया बोलेंगे। एटलजिया किसको बोलेंगे? ईयर इन द पेन, अगर ईयर में पेन हो रहा है, आपके कान में पेन हो रहा है, उसको हम एटलजिया बोलेंगे। डिप्लोबिया, डिप्लोबिया का मीन्स होता है डबल विजन, अगर आपको डबल दिखाई दे रहा कोई भी चीजें हैं, कोई भी थिंग्स है, आपको डबल नजर आएगी तो उसको हम डिप्लोबिया बोलेंगे। पाइलोडर्मा, पाइलोडर्मा किसको बोलेंगे? स्किन इन्फेक्शन विद पस फॉर्मेशन, अगर स्किन में पस का फॉर्मेशन हो रहा है किसी स्किन इन्फेक्शन के कारण, उसको हम पाइलोडर्म बोलेंगे, ठीक ना। ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा की एक तरह कह सकती हैं कि जो लिप्रोसी होती है, एम लिप्रोसी, उसके कारण होता है, ठीक ना। डिफेक्टिव स्किन पिगमेंटेशन, मतलब कि किडनी स्किन के जो नॉर्मल कलर होता है तो उसमें हाइपोडर्मा देखने को मिलने लगता है, उसी को बोला जाता है ल्यूकोडर्मा। क्लियर। हेटरोडाइनी, हेटरोडाइनी का दैट मीन्स क्या होता है? पेन इन द यूट्रस, यूट्रस में अगर पेन हो रहा है उसको हम हेटरोडाइनी बोलेंगे। हिस्टेरेक्ट्रोमी, हिस्टेरेक्ट्रोमी का मीन्स होता है एक्सीशन ऑफ द यूट्रस है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर दो एक शब्द क्लियर करेंगे, टोमी, ठीक ना। टोमी के मीन्स होता है एक्सीजन, मतलब कि कोई अगर वहां का कट करके बाहर निकाला जा रहा है, मतलब उसकी टोमी की जा रही है। क्लियर। नेफ्रेक्टोमी का दैट मींस क्या होता है? एक्सीशन ऑफ द किडनी, किडनी की अगर किसी प्रकार कट करके बाहर निकाला गया है उसको बोलेंगे नेफ्रेक्टोमी। क्लियर। एडिक्टोमी के मींस होता है एक्सीशन इन द ग्लैंड, ठीक ना। ग्लैंड में अगर कहीं कट करके निकाला गया है उसको बोलेंगे एडिक्टोमी। क्लियर। कोलिसिस्टेक्टोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी के मींस होता है कि एक्सीजन ऑफ द गॉल ब्लैडर, मतलब कि गॉल ब्लैडर को कट करके बाहर निकाल दी जाए उसको बोलेंगे कोलिसिस्टेक्टोमी, ठीक है ना। कोले मींस होता है गॉल ब्लैडर और टोमी मींस को होता है काटना। थायरोइडेक्टोमी, थायरोइडेक्टोमी मींस होता है एक्सेशन ऑफ द ग्लैंड, अगर आपके बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको कट करके बाहर निकाला गया है उसको बोलेंगे थायरोटोमी। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का मींस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ज्वाइंटिस। एक टर्म यहाँ पर क्लियर करेंगे, जिस शब्द के लास्ट में आई टी आई एस लग जाए, ठीक ना, इसका मींस होता है इन्फ्लामेशन या कि इन्फ्लामेटरी।
क्लियर। तो अर्थराइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ज्वाइंटिस, ज्वाइंट में अगर कहीं पेन हो रहा है आपको तो वो इन्फ्लामेशन की कंडीशन को बताएगा। ब्रोंकाइटिस का मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाइटिन ऑफ, जो लंग्स में ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है उसमें अगर किसी बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन के कारण अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको बोलेंगे ब्रोंकाइटिस है। कार्डाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट, ठीक ना, कार्डियक मीन्स होता है हार्ट, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, हार्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा, सूजन देखने को मिल रहा है उसको बोलेंगे कार्डाइटिस है। सिस्टिटाइटिस के मींस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विक्स, जो फीमेल में सर्विक्स प्रेजेंट होती है तो वहां पर इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है उसको बोलेंगे सर्विक्साइटिस है। क्लियर। कोलिसिट मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलोन, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका एनादर नेम होता है कोलोन, तो कोलोन में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको बोलेंगे कोलिसाइटी। कोलपिटिस मींस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना, वेजाइना में अगर फीमेल का ये एक पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है तो वेजाइना में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको बोलेंगे पेलिटिस, ठीक है। सिस्टाइटिस मींस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो उसको बोलेंगे सिस्टाइटिस है। एंटेराइटिस मींस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होगा तो ये बोलेंगे। गैस्ट्राइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक है। ग्लोसाइटिस है, ग्लोसाइटिस मींस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, टंग में अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे ग्लोटाइटिस है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मींस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, हिपेटिक मींस होता है लीवर, आइटिस लगा है तो इसका मींस हो जाएगा इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, लीवर में इन्फ्लामेशन है तो उसको हिपेटाइटिस बोलेंगे। लैरिंजाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंग्स है, ये रिस्पायरेटरी रूट का पार्ट होता है लैरिंग्स, जहां से वॉइस निकलती है उसको बोलते हैं लैरिंग्स है। मेट्राइटिस मींस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में अगर इन्फ्लामेशन इसको देखने को मिलेगा। माइलिस्टाइटिस मींस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड जो होती है रीढ़ की हड्डी जिसको बोलती है उसमें अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिले उसको बोलेंगे मेलिसाइटिस है। नेफ्राइटिस मींस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी, ठीक ना। फायरेंजाइटिस मींस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द फायरिंग्स, ये भी रेस्पिरेटरी रूट का पार्ट होता है। बेलीफाइटिस मींस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलिड्स, आईलिड्स जो होती है किडनी की जो होती है पुतली जिसको बोलती है, ठीक है ना, आईलिड्स में इन्फ्लामेशन रहेगा उसको बोलेंगे प्लेलीफाइटिस है। नेफ्रोलिथियोसिस, नेफ्रोलिथियोसिस मींस होता है यहाँ पर है स्टोन इन द किडनी, ठीक ना, स्टोन में अगर हो रहा है किडनी में स्टोन हो रहा है उसको बोलेंगे नेफ्रोलिथियोसिस, नेफ्रो मींस होता है नेफ्रान, ठीक ना, लिथियोसिस मींस होता है स्टोन। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है एब्सेस, एब्सेस का मींस कह सकते हैं कि पस का फॉर्मेशन, मतलब कि कहीं भी अगर घाव चोट लग रही है तो वहां पर पस का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि वहां पर देखने वाला टेंडन होगा, फ्लूड से वो फिल रहेगा, ठीक है ना, और वहां पर जो फ्लूड फिल रहेगा टिश्यू रहेगा या, और ये यूजली इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक है। क्लियर। सबसे पहले एक्यूट को जानेंगे, ये भी दोनों शब्द देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ द कंडीशन दैट बिगिंस द एवरेट इन द सम टाइम द सीवियर बट ड्यूरेशन इन द सडन। देखिए दो तरीके से इन्फेक्शन बॉडी में होता है, एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है, एक क्रोनिक होता है। तो क्रोनिक जो इन्फेक्शन होता है वो शॉर्ट टाइम का रहता है, ठीक है, सॉरी एक्यूट जो होता है वो शॉर्ट टाइम का रहता है, जबकि क्रोनिक जो होता है ये लॉन्ग टाइम को आपको देखने को मिलता है, ठीक ना, मतलब कि लंबे समय 6 मंथ ईयर में भी देखने को मिल सकता है, और ज्यादातर ये हार्ट डिजीज की कंडीशन में होता है। क्लियर। एक शब्द और एक्सप्लेन करेंगे, बिनाइन, बिनाइन एक तरह का है, ये ट्यूमर से रिलेटेड शब्द होता है, लेकिन ये एक तरह का ट्यूमर नहीं होता है जिसको हम कैंसरस की कंडीशन में नहीं रखते हैं। बायोप्सी क्या होता है, ये एक तरह का है स्मॉल टिश्यू होता है, जब लिविंग बॉडी से इसको कट करके निकाला जाता है टिश्यू प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक ना, वही एक बायोप्सी होता है, स्पेसिमेन के रूप में यूज करते हैं। कोट्यूशन, कोट्यूशन का मीन्स होता है एब्रोस, एब्रोस का मतलब होता है चोट लगना, ठीक है ना। डिफाइब्रिलेटर, डिफाइब्रिलेटर का मीन्स होता है अ मेडिकल डिवाइस दैट यूज द इलेक्ट्रिक शॉक टू रीस्टोर द नॉर्मल हार्ट बीट, ठीक ना, अगर नॉर्मल हार्ट बीट यहाँ पर हो रही है उस दौरान में कोई डिवाइस अगर इंजेक्ट किया जा रहा है तब उसको हम बोलेंगे डिफाइब्रिलेशन। इडेमा का मींस होता है स्वेलिंग कोज्ड बाय द फ्लूड एक्यूमुलेशन, ठीक ना, फ्लूड का अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है स्पेशली जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूड होता है उस दौरान बोलेंगे, ठीक है। इम्बोलिज्म, इम्बोलिज्म मींस होता है आर्टियल ब्लॉकेज, जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लॉकेज हो रहा है और ये अक्सर जो होता है ब्लड क्लॉट के कारण होता है, ठीक है ना। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होती है आउटर लेयर होती है स्किन की,
फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मींस होता है ब्रोकन द बोन या कि कार्टिलेज, कार्टिलेज है कि बोन का ब्रोकेस हो रहा है उसको बोलेंगे फ्रैक्चर। ग्लैंड्स क्या होती है, ये एक तरह का आर्गन या कि टिश्यू होता है जो कि प्रोड्यूस करता है, ये सीक्रेट करता है फूड्स को, और स्पेशली यहाँ पर एंजाइम या कि हार्मोन्स को फ्रूट करने का अपना फंक्शन दिखाता है, ठीक है ना। हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन का मीन्स होता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। इन पेशेंट, इन पेशेंट के मींस होता है अ पेशेंट हु रिक्वायर द हॉस्पिटलाइजेशन, अगर जो पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है हॉस्पिटल के अंदर है उसको बोलेंगे इन पेशेंट, ठीक है ना। एक होता है आउट पेशेंट, मतलब कि अब हॉस्पिटल के बाहर जो है उसको बोलेंगे आउट पेशेंट्स है। इंट्रावेनस, इंट्रावेनस उसको बोलेंगे कि इंडिकेट्स मेडिकेशन या कि फ्लूड्स दैट डिलीवर बाय वेंस, वेंस के द्वारा कोई भी फ्लूड या कि मेडिसिन वगैरह आप डिलीवर कर रहे, इंजेक्ट कर रहे हैं उसको बोलेंगे इंट्रावेनस, क्लियर। यहाँ पर कुछ हमने टर्म एक्सप्लेन किया आपके लिए, इसको अपने माइंड में रखिएगा। इसके रिलेटेड और भी हम बहुत से लॉट्स ऑफ द टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना, कुछ टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे तभी जाकर आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।